तो यस, बड़े दिनों के बाद आज मैं कोई हॉरर एनिमेशन वीडियो देखने वाला हूँ। एंड ये जो मैंने हॉरर एनिमेशन का टॉपिक चूज किया है ना ब्रो, आई थिंक सो मुझे इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, मैं बताना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि मोस्टली लोगों को इसके बारे में पता ही होगा, है ना। नहीं, एंड तुम में से कुछ एकदम ही महान लोगों ने ये ट्राई भी किया होगा, प्लीज मत ट्राई करना। आई हैव अ रियली बैड एक्सपीरियंस विद दिस वन, प्लीज मत ट्राई करना। तो यस, आज हम देखने वाले हैं एक मोस्ट फेमस हॉरर गेम की एक एनिमेशन स्टोरी, जिस फेमस गेम का नाम है द चार्ली चार्ली हॉरर गेम। अब अगर तुम्हें नहीं पता इस गेम में क्या होता है, तो बेसिकली इस गेम में दो पेंसिल रखी जाती है, एक के ऊपर एक, एंड एक पेपर पे यस नो लिखा जाता है डायगनली, एंड देन तुम स्पिरिट से बात करते हो, यस स्पिरिट से, और तुम उससे क्वेश्चन पूछते हो यस या नो वाले। एंड यस, ये एनिमेशन होने वाली है हमारे फेवरेट खूनी मंडे से, सो यस ऑल द क्रेडिट्स एंड अ बिग शाउट आउट टू हिम। बट देखो, आई हैव अ ट्रॉमा विद दिस वन, ठीक है, मेरे को ज्यादा नहीं डरना है इसमें, तो मैं अपने रूम की लाइट्स नहीं बंद करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, चलो आ जाओ, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ऑलराइट, हियर वी गो। ये कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के एक बेहद मशहूर बोर्डिंग स्कूल विद्या निकेतन की है। ओके। उस स्कूल का डिसिप्लिन और पढ़ाई जितनी फेमस थी, उतनी ही फेमस थी उस स्कूल हॉस्टल की भूतिया स्टोरीज। एक रात 12th क्लास के चार दोस्त मिलकर वहीं भूतिया बातें डिस्कस कर रहे थे। ब्रो, क्या तुम्हारे एरिया में भी कोई ऐसा भूतिया स्कूल है जहाँ की मेनली ये थोड़ी पैरानॉर्मल चीजें बहुत ज्यादा वायरल है या बहुत ज्यादा चर्चे में रहती है? क्योंकि हमारे यहाँ है, एंड हमारे यहाँ सिर्फ स्कूल ही नहीं, हॉस्पिटल भी बहुत फेमस है एक ऐसी पैरानॉर्मल चीजों के लिए। उनमें से एक लड़का सूरज कहने लगा कि उसके पास एक ऐसा गेम है जिसकी हेल्प से वो ये पता लगा सकते हैं देयर इज दिस वन पैल सब फेमस बातें सच भी हैं या नहीं। सब वो गेम खेलने के लिए तैयार हो गए। यार, हर ग्रुप में ऐसा होता है, मेरे को हंसी आ रही है, हर ग्रुप में एक ऐसा लड़का होता है या लड़की जिसको एक्स्ट्रा डेयरिंग चीजें करनी है हर चीज में। यू हैव टू गो दिस वे, नहीं हमें इस वे में जाना है, यू हैव टू डू दिस, नहीं हमें वो करना है। मगर रवि उस वक्त किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। गुड रवि। अरे रवि भाई, तुम तो प्रमोशन कर रहे हो, रुको ये वाला पार्ट हटाने दो। ओके, लेट्स गो। और उसे भी वो भूतिया गेम खेलने बिठा दिया। ओके, भूतिया गेम खेल रहे थे रवि। था चार्ली चार्ली। लोग कहते हैं कि चार्ली चार्ली गेम एक ऐसा गेम है जिससे आत्माओं से बातें करी जा सकती हैं। इनफैक्ट उनकी माने तो ये गेम I should have paused there. मैंने क्यों नहीं पॉज किया? मैं पॉज करने वाला था, मैं डर गया यार, बहुत देर से डर गया हूं मैं जा रहा हूं, आगे जा रहा हूं मैं वीडियो में। गेम इतना खतरनाक है कि कई लोग इसकी वजह से पागल भी हो चुके हैं और कुछ लोगों की तो जान भी जा चुकी है। सूरज ने सबको एक सर्कल में बिठाया और बीच में पेपर पर यस नो नो यस लिखकर उस पर दो पेंसिल्स रख दी। ओह नो, रवि ये देखकर हंसने लगा और वो सर्कल से, अरे रवि भाई मत हंसो, रवि भाई तुम्हें हंसी आ रही है, अभी कुछ देर में तुम रोने वाले हो, चिंता मत करो, कर हंसने लगा और वो सर्कल से उठकर जाने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ये देखकर सबके होश उड़ गए। हियर वी गो। तभी सूरज ने रवि से वापस आराम से बैठने होश को कहा। नहीं, सब कुछ उड़ने वाला भी तुम्हारा। फिर सूरज ने गेम की तरफ देखते हुए कहा, चार्ली चार्ली आर यू देयर, यानी चार्ली चार्ली। डोंट स्टार्ट विद दिस, अबे ट्राई मत करो ये। जिन्होंने ये गेम कभी ट्राई भी की होगी ना, उन्हें पता है क्या होता है इसमें। क्या तुम यहाँ हो चार्ली चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? अबे नहीं। ये कहने के बाद सब वेट करने लगे पर कमरे में कुछ नहीं हुआ। सूरज ने दोबारा वही सवाल पूछा, तब भी कुछ नहीं हुआ। इस पर रवि ने उस गेम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी सर्कल के बीच पड़ा, मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है रवि सबसे ज्यादा पिटने वाला है, पेपर जोर से हिलने लगा, उस पर रखी पेंसिल्स भी इधर उधर रोल होने लगी। अब हंस ले रवि, सूरज ने फिर से अब हंस ले वही सवाल पूछा, चार्ली चार्ली You're still asking, bro. Run. यहाँ हो, और तभी पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। एक दूसरे को मत देखो। एक-एक करके सब चार्ली से कुछ चप्पल उठाओ और भगलो पूछने लगे, जिससे वो कंफर्म कर सके कि सच में चार्ली की आत्मा वहां वाकई थी या नहीं। Don't use that word. किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने आज तक किसी को डराया है? तो okay, किसी ये अच्छा क्वेश्चन नहीं चार्ली, क्या मैं क्यों नॉर्मलाइज कर रहा हूं इस चीज को ब्रो, नहीं कुछ अच्छा नहीं है इसमें, कुछ भी अच्छा नहीं है। कभी तुमने किसी की जान ली है? पेंसिल घूमती रही, कभी यस फ्री की घड़ी तो कभी नो पर। रवि उस सर्कल में बैठे बैठे भी अबे साले
सबका और चार्ली चा अभी भी हंस रहा है। आई कैन रिलेट, ऐसा होता है। एक दोस्त जितना मर्जी सीरियस माहौल हो, जितना मर्जी वो सबको हंसाई देगा या खुद हंसने लग जाएगा, उसको देख के सब हंस देंगे। चार्ली गेम का मजाक उड़ाता रहा। उसे अब भी लग रहा था कि सूरज सबके साथ कोई मजाक कर रहा है। सबकी बारी हो चुकी थी और सूरज ने रवि को चार्ली से सवाल पूछने के लिए कहा। रवि ने मजाक में पूछा, चार्ली क्या तुम बेवकूफ और पागल हो? इस पर I was expecting this kind of question only. पेंसिल नहीं हिली और रवि को विश्वास हो गया कि चार्ली बकवास है और वो सर्कल से उठ गया। तू गया भाई। लेकिन जैसे ही वो वहां से उठा, उसी वक्त पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लगी और ओह नो ब्रो, बबलैट भूत मिल गया इन्हें। अरे मैं क्यों बोल रहा हूँ? ओके, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर जोर जोर से हिलने लगी। कमरे की लाइट्स अब और जोर से फ्लिकर कर रही थी। सब डर के मारे अपनी जगह पर जम से गए थे। तुम भागो भाई। तभी अचानक से चली गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। मैं ज्यादा बोलने भी नहीं वाला उस चीज़। उन दोनों लड़कों को बस तुम हंस लो मेरे पे, एक काम करो अच्छे से हंसो, तुम्हें बड़ा मजा आता ना। हॉरर इक्वल टू फनी। हां भिक्षु ऑर्डर गया। मेरे यहां पे क्या हालत होती है मुझे पता, मेरे हाथ कांप रहे हैं। दो चमकती लाल आंखें दिख रही थीं जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गए थे। ब्रूस को दोस्त सूरज ने जल्दी से जाकर लाइट ऑन की। तभी सबकी नजर रवि पे गई। ब्रो गया रवि। सभी ने जो देखा रवि देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्लीज जंप स्केयर नहीं, मैं रेडी हूं। रवि का चेहरा अचानक नीला पड़ गया था। धीरे धीरे वो वहीं खड़ा खड़ा कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वो एक अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। सॉरी रवि। रवि की चीख सुनते ही वार्डन उनके कमरे में आ गया और तभी रवि बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हॉस्टल का स्टाफ जल्दी से रवि को लेकर रैपट मारो पहले इन चार के। पर डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा था कि रवि ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो। एक्सप्रेशन ये वाला क्यों दिया डॉक्टर को तुमने? दिस इज फनी हो गया। फॉर्चुनेटली रवि को दो दिन बाद होश आ गया। ओके, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। ना ही किसी का गला घोटना। अच्छा उस दिन वाली चीज़ होश होना, उस दिन वाली कोई चीज़ याद नहीं थी। चार्ली गेम खेलना। सूरज और उसके बाकी दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो लोग फिर से ऐसा कोई भूतिया गेम नहीं खेलेंगे। गुड। इनफैक्ट अगर आप लोगों को भी कुछ खेलना है तो हाँ पता है मुझे, आप लोगों को भी कुछ खेलना है ना, मैं बताता हूँ क्या खेलो। तुम खेलो बास्केटबॉल, तुम खेलो फुटबॉल, और भी गेम्स होते हैं तुम वो खेलो, लेकिन प्लीज ये सब मत खेलो, ठीक है? ये सब खेलने की चीजें नहीं है, इनको इंटरनेट पे बस देखने के लिए छोड़ दो। यस नहीं मत देखो ही मत, कुछ मत करो। ऑल राइट, तो ये चार्ली वाली एनिमेशन काफी छोटू सी थी। तो यस लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। मॉनसून, वो मौसम जिसमें बादल दिल खोल कर बरसते हैं। ओके नहीं, गीली मिट्टी की खुशबू भला किसे अच्छी नहीं लगती। हाँ लेकिन मॉनसून आने वाला है। अपने साथ कुछ ऐसा ले आए जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाए तो। सर मत डराओ ना प्लीज। ये कहानी 32 साल के समीर की सच्ची घटना पर आधारित है। गॉड डैम इट, वो अपने ऑफिस से घर जा रहा था। ओके, उस दिन उसकी एनिवर्सरी थी पर उसे ऑफिस से निकलने में देरी हो गई थी। एनिवर्सरी के दिन तो छुट्टी ले ले। पर उसकी पत्नी रिशिमा उसका इंतजार कर रही थी पर उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि बस आने का टाइम हो गया है तो क्यों ना वो बस लेकर ही चला जाए। बस स्टैंड तक पहुंचते भाई, आई एम सेइंग दिस अगेन, प्लीज अगर कभी तुम रात में ट्रैवल कर रहे हो और अगर तुम्हें नौबत आ रही है बस लेने की, अरे घूम नहीं पाया मैं, तो यस प्लीज कभी भी बस मत लेना। मैं पता नहीं क्यों नाचा यहाँ पे। अभी आसमान में गरज रहे बादल बरसने लगे। अच्छा? और देखते ही देखते बहुत ही तेज बारिश होने लगी। छतरी है इधर पे। समीर अपना सूटकेस अपने सर पर रखकर बस का इंतजार करने लगा। okay, ठीक है। समीर के कपड़े बुरी तरह भीग रहे थे कि तभी उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गईं। हैं? समीर ने अपने साइड में देखा तो एक आदमी अपनी छतरी के आधे हिस्से से
समीर को भीगने से बचा रहा था। गुड पैल, गुड गाय। समीर को ये देखकर बहुत अच्छा लगा और वो उस आदमी को देखकर मुस्कुराने लगा। समीर डोंट डू दैट, क्योंकि वो आदमी मुझे यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है। उस आदमी ने हाथों में ग्लव्स, आंखों पर एक काला चश्मा और सर पर एक काली हैट पहनी हुई थी। मोगैम्बो। इसीलिए समीर को वो आदमी दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वो आदमी समीर को देखकर कहने लगा, ये दुनिया कितनी अजीब है ना, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा, कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। भाई बस स्टैंड पे अगर कोई बंदा ऐसी बातें कर रहा होगा ना, मैं पूरी बसें उठा के भागने लग जाऊंगा वहां से। वाह भाई क्या ये प्रैक्टिकल बात बोली तुमने, बट यार मैं भागूंगा वहां से। समीर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, उसने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। डोंट मुस्कुराओ। उसी समय समीर का फोन बज पड़ा। ओके। उसने पॉकेट से जैसे ही फोन निकाला, उसका फोन उसके हाथ से स्लिप होकर जमीन पर गिर गया। समीर जैसे ही जमीन से फोन उठाने के लिए झुका, उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी उंगली कांप गई। पैर मुड़े हुए। उसके साथ में खड़े आदमी की टांगे ही नहीं थी और ना ही उस आदमी के जूते के अंदर पैर थे। This was unexpected. मानो वो आदमी हवा में झूल रहा था। समीर के चेहरे का रंग बदलने लगा, पर उसने चुपचाप अपना फोन उठाया और उसके पैरों के बारे में सोचने लगा। समीर ने उस आदमी भैया आपके जॉर्डन्स कितने के हैं? ओके, नहीं ठीक है सॉरी, से दूर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई तो उसे दिखा कि अब पूरा बस स्टैंड खाली था। आसपास किसी ऑटो का भी नामो निशान नहीं था। वहां पर अब समीर और उस आदमी के भाग भाई और कोई भी नहीं था। समीर की हालत अब खराब हो रही थी। देखते ही देखते बारिश और तेज होने लगी। उस तूफान के बीच उस बस स्टैंड पर वो ही दोनों खड़े थे। I'm sorry, समीर, but आज तेरा पनीर बनने वाला है भाई। उस तूफान के बीच उस बस स्टैंड पर वो ही दोनों खड़े थे। समीर को बारिश की वजह से अब कुछ ढंग से इंसान निकले जिसके पैर नहीं और तुम उसके साथ खड़े हो बारिश में। कोई बस भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। समीर ने अपनी वाइफ रिश्मा को मैसेज किया और उसे अपनी सिचुएशन बताते हुए जल्दी से आने के लिए कहा। ये मैसेज लिखते ही समीर को उस आदमी की आवाज आई, रिश्मा को यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा समीर। ये सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अबे ये भूत तो स्टॉकर भी निकला। अरे शर्म करो। वो उस छतरी के नीचे से निकलकर रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। कुछ फायदा नहीं। बिना पीछे मुड़े समीर तब तक भागता रहा जब तक उसे वो आदमी दिखना बंद नहीं हो गया। भागते भागते समीर बहुत ज्यादा थक गया था। समीर रोड के साइड पर लगे एक बेंच पर बैठ गया। उसने अपनी तेज चल रही सांसों को नॉर्मल किया। बाय द वे बंदा भीग रहा है। एकदम से उसके सर पर पड़ रही बरसात फिर से बंद हो गई। समीर ने सहमी नजर से अपने साइड में देखा तो उसके साइड में फिर वही आदमी छतरी लिए बैठा। भाई ये काफी अच्छा वेलविशर है तेरा, तेरे को डराएगा, तेरे को धमकाएगा, तेरे को भीगने नहीं देगा। ये देखकर समीर की चीख निकल गई और वो तुरंत उस बेंच से उठकर फिर से रोड की तरफ भागा। कोई फायदा नहीं है दोस्त। रोड पर बारिश की वजह से अब धुंध भी आने लगी थी। आसमान में कड़कती बिजली की आवाज समीर की चीखों को दबा रही थी। थोड़ी दूर आकर समीर फिर से रुक गया। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हाफते हाफते जब उसने सामने देखा तो बहुत जोर से बिजली कट गई और उस बिजली की रोशनी में उसे वही आदमी रोड। अरे तू जाना, मैं डर गया भाई, कौन क्या बोल रहा है। सब अंकल के जाने का वेट करो, रुको, मतलब मैं वेट करूंगा, तुम क्यों करोगे। A few moments later, उसे वही आदमी रोड के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सिर्फ उसका आधा शरीर हवा में तैर रहा था। वो समीर को देख कर मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा उतार दिया। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से काली पड़ी थीं और उसमें से खून बह रहा था। अरे भाई भाग ले। तभी समीर को पीछे से एक बस के हॉर्न की आवाज आई। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से एक बस आ रही थी। अचानक ही बहुत सारे लोगों की भीड़ भी उस बस की तरफ आने लगी। तू भी भाग। समीर को अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था।
जैसे ही वो बस उस स्टैंड पर आई, सभी लोग धक्का मुक्की करके उस बस में घुसने की कोशिश करने लगे। उसी धक्का मुक्की में समीर उस भीड़ के बीच गिर गया। उसके पूरे शरीर पर लोगों के पैर लग रहे थे और समीर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। भाई आई डोंट नो व्हाई बट दिस इज द वर्स्ट फियर आई हैव। मतलब अगर मैं भीड़ में भी जाता हूँ ना, मेरे को यही डर रहता है बस मेनली। मैं क्लोस्ट्रोफोबिक नहीं हूँ, बट जो क्लोस्ट्रोफोबिक वो भी क्या, वो तो भीड़ में भी नहीं जा सकते भाई। लेकिन मैं जब भी भीड़ में जाता हूँ मेरे को ये डर होता है कोई कुचल कुचल देगा यार। बस के ड्राइवर ने भीड़ को हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और समीर का आधा शरीर उस बस के नीचे कुचल गया। तड़पता हुआ समीर वहीं होश खो बैठा। छतरी वाले भैया सच्ची पनीर खाएंगे आज। ऑटो से समीर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गई। ओह नो दिस इज बैड। उसने समीर को रोड के बीच खून से लथपथ पड़ा देखा। अबे यार उसके आसपास कोई भी नहीं था। रिश्मा समीर को जल्दी से ऑलराइट, मेरे को ये वाला सीन देख के तुम्हें यही चीज बतानी है कि देखो मैं चाहता नहीं ऐसा कभी हो, किसी के साथ भी ना हो, बट अगर तुम रोड पे कभी भी कुछ ऐसे एक्सीडेंट देखते हो या किसी और के साथ कोई हादसा होते हुए देख लेते हो रोड पे, तो प्लीज एटलीस्ट 102 या 100 को फोन करके बता देना। आई नो तुम छोटे हो बट फोन करने में कुछ नहीं जाता है। हॉस्पिटल ले गई, समीर की जान तो बच गई पर समीर ने अपने पैर हमेशा हमेशा के लिए खो दिए थे। वो अब फिर कभी भी चल नहीं सकता था। जब समीर ने अपने साथ हुई घटना बताई तो कोई भी समीर की बताई हुई बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। अबे यार एटलीस्ट उसकी बात तो मान लो। उस बस स्टैंड से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट्स को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। क्या? रिश्मा ने देखा कि करीबन 10 साल पहले ऐसे ही एक केस में एक आदमी की मौत हुई थी और तब से लेकर आज तक हर साल मानसून के महीने में एक आदमी ऐसे ही हादसे का शिकार होता है और पुलिस को बयान देते वक्त वो सभी एक अजीब सी काली आंखों वाले आदमी के बारे में बात करते हैं। ओके। रिश्मा समझ गई थी कि समीर भी उस काली आंखों वाले आदमी का शिकार हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग। कुछ ही सालों बाद डिप्रेशन के कारण समीर की मौत हो गई। भाई वाह। रिश्मा हर साल मानसून के महीने में उस बस स्टैंड पर जाती है इसी उम्मीद में कि उसकी मुलाकात उस काली आंखों वाले आदमी से हो जाए। क्यों? रिश्मा को हमेशा लगता है शायद वो काली आंखों वाला आदमी भी ऐसे ही किसी भीड़ के नीचे आकर मर गया होगा और अब वो सबसे अपना बदला ले रहा हो। रिश्मा उससे ये पूछना चाहती थी कि वो ये सब क्यों कर रहा है, पर रिश्मा को वो आदमी आज तक कभी नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। पर आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता दोस्त, मुझे सच्ची में कुछ नहीं लगता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो रिश्मा, प्लीज डोंट गो देयर एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मुझे काफी ज्यादा मजा आया, आई होप तुम लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वन एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। टिल देन पीस आउट। बीट पे गदर मचेगा खटेगा पिज्जा सब में बटेगा बनेगा सीन जो तूने ना देखा बोलेगा स्वैट चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।